हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल मोटिवेटेड टू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। आई एम गुलाबसा, योर मेंटोर, एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स, वेयर बाय वी विल बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर फेज टू ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। सो आज की क्लास में वी विल बी कवरिंग वॉट एवर वी लेफ्ट इन द यस्टरडेज क्लास, जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट डिस्कस की थी। तो वहाँ पे वी डिस्कस्ड ओनली द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। देर इज़ अनदर डॉक्यूमेंट कॉल्ड डेवलपमेंट स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। सो DRP वाली डॉक्यूमेंट रह रही है जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू इट। सो दिस इज़ नॉन एज स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। इसको हम DRP बोलकर एड्रेस करेंगे, राइट, फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस। सो वॉट इज़ दिस DRP? सो आपको पता होगा, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज की जाती है, अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट अनदर डॉक्यूमेंट इज रिलीज, दैट इज़ नॉन एज DRP, दैट इज स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। ये डॉक्यूमेंट क्या है? सो इन दिस डॉक्यूमेंट RBI टॉक्स अबाउट वॉट ऑल रेगुलेशंस, वॉट ऑल पॉलिसीज इट इंटेंड्स टू ब्रिंग इन 3 डिफरेंट सेक्टर्स। बेसिकली द फर्स्ट टॉक्स अबाउट रेगुलेशन एंड सुपरविजन, सेकेंड टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, एंड थर्ड टॉक्स अबाउट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इन तीनों एरियाज में, इन तीनों सेक्टर्स में क्या नए डेवलपमेंट्स हम ला सकते हैं, हम कैसे इनको और अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं, सो दैट देर इज मोर ऑफ कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स एज वेल एज मोर ऑफ इनोवेशन, सो दैट द वर्क कुड बी मेड मोर एफिशिएंट। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स रिलीज किए जाते हैं जहाँ पे RBI प्रपोजेस सर्टन डायरेक्शंस, और इन सम अदर टाइम इट टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग सर्टन गाइडलाइंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज बेस्ड ऑन वॉट एवर इज मैंशन इन दिस डॉक्यूमेंट, RBI intends to take steps in the future so that it can result in the overall development of the banking sector. ठीक है, तो सबसे पहले we'll start with the statement which talks about regulation and supervision. तो इसमें क्या क्या developments आए हैं? So basically RBI has talked about 2 major developments. The first, it talks about bringing up with a master direction on outsourcing of financial services, and second, including the credit information companies in the रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो ये ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या होता है, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज क्या होती हैं, इसको अभी हम देखते हैं एक के बाद एक। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डायरेक्शन दैट टॉक्स अबाउट कमिंग अप विद अ मास्टर डायरेक्शन। सो RBI हैज़ प्रपोज्ड कि वो एक ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन लेकर आएगा दैट विल टॉक अबाउट managing the risk and also laying down the code of conduct for outsourcing of any financial services. अब master direction क्या होता है? As you all know, directions are guidelines which are issued by RBI. Master directions are the ones जहाँ पे RBI जितने भी directions या guidelines आज की date तक दिए हैं उनको include करता है, plus any other further directions या further amendments करने होते हैं, उन सबको एक जगह पे यूनिफॉर्मिटी के साथ एक जगह पे प्लेस कर देता है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द रीडर, फॉर द पब्लिक और फॉर अदर स्टेक होल्डर्स, कि वो एक जगह से सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को लेके समझ सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे RBI बोल रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू कम अप विद अ ड्राफ्ट डायरेक्शन। तो जब भी RBI कोई भी मास्टर डायरेक्शन लेके आता है, सबसे पहले ड्राफ्ट डायरेक्शन इशू किए जाते हैं, फिर उसको पब्लिक में इशू किया जाता है, सो दैट पब्लिक कुड रीड एंड सेंड देयर कमेंट्स। उस कमेंट्स को इनकल्केट करने के बाद फाइनली जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो प्रेजेंट किया जाता है RBI की वेबसाइट पे। तो ये प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जब भी कोई डायरेक्शन इशू करनी होती है। सो आज का जो वीडियो है, इट विल हैव सर्टन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सर्टन टेक्निकलिटीज, तो आपको ध्यान से उन चीज़ों को समझना है, बिकॉज इट्स ईजी बट देन द वर्ड्स विच आर बींग यूज इन द RBI वेबसाइट इज अ बिट टिपिकल। तो उसको ध्यान में रखते हुए वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर। आई होप यू ऑल आर पेइंग अटेंशन, राइट। तो अब देखते हैं कि आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं। आपको पता है दे आर सर्टन सर्विसेज, बी इट
लोडिंग कैश और एनी अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग द टेलीकॉलिंग सर्विसेज और अदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं, स्पेशली वो सर्विसेज जो नॉन कोर होती हैं, कई बार बैंक्स और बाकी रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो होती हैं उन सबको आउटसोर्स करती हैं, किसी चीपर कंट्रीज से आउटसोर्स करती हैं। रीज़न क्या होगा आउटसोर्स करने का? सबसे पहला रीज़न तो यही है कि वो चीप होता है, इंडिया में उनको महंगा पड़ रहा है उस चीज़ को। सेकेंडली, यू कैन मेक यूज़ ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। सो दोज टेक्नोलॉजीज कुड बी यूज्ड इन योर कंट्री बाय आउटसोर्सिंग दैट टेक्नोलॉजी। वहाँ से उस सर्विस को आप आउटसोर्स कर लो जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आपके कामों में बढ़ जाएगी। तो ये देखा गया है कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, बी इट योर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, योर NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस बैंक्स, एज वेल एज दी कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटीज़ वे मेकिंग यूज़ ऑफ दिस आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कैश को रीलोड करना है जब वो रिप्लेनिश हो जाता है, या कोई और नई टेक्नोलॉजी लानी है, या फिर जो BPO प्रोसेसेस होते हैं उनको आउटसोर्स करना है, ये सारे आउटसोर्स किए जा रहे थे। बट इसमें ये देखा गया था कि विद द यूज़ ऑफ दिस आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सारे रिस्क भी इन्वॉल्व थे। व्हाट कुड बी द रिस्क? द मोस्ट मेजर रिस्क इज़ दैट ऑफ सिक्योरिटी। आपके जितने भी सर्विसेज हैं उसकी ट्रांजैक्शंस दूसरे थर्ड पार्टी के पास जा रही है। सपोज़ करो आप कोई नई टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आउटसोर्स कर रहे हो, दैट फिनटेक कंपनी विल बी हैविंग एक्सेस टू योर डेटा, राइट, टू योर कस्टमर्स डेटा, टू योर लोन डेटा। ऑल ऑफ दीज डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। द थर्ड पार्टी कुड मेक अनफेयर यूज़ ऑफ इट, और वो इन अ वे एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि वो आपकी पूरी बिजनेस को ना टेक ओवर कर ले। सो दे आर रिस्क इन्वॉल्व। सेकेंड, ये भी रिस्क होता है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरी जगह पास ऑन हो जा रही है और उसका मिसयूज़ हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस रिस्क, इन ऑर्डर टू कंटेन दिस रिस्क एंड टू मिनिमाइज इट, RBI टाइम टू टाइम हैज़ रिलीज्ड सर्टन गाइडलाइंस, सर्टन issuances, certain directions, और उन सबको अब RBI कह रहा है कि वी आर गोइंग टू फर्दर स्टडी what are the risk involved in outsourcing of the financial services and how can we control them and what all directions should be issued and should be followed by these regulated entities so that these risks could be minimized. तो इन सबको incorporate करके, inculcate करके एक draft डायरेक्शन बनाया जाएगा, दैट विल बी नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजिंग रिस्क एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्शंस 2022। तो इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग ईयर्स इसको इशू किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ये भी बात की गई है कि सिंस द स्कोप इज लिमिटेड हियर, उसको भी वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट बाय इंक्लूडिंग द RRBs, द रीजनल रूरल बैंक्स, क्योंकि ये देखा गया है कि ये भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी इन सर्विसेज को आउटसोर्स करने लग रहे हैं। सो बिफोर इट बिकम्स वल्नरेबल टू दिस, लेट्स जस्ट bring these institutions also under the ambit of this direction. The All India Financial Institutions, Credit Information Companies and all the non-scheduled payment banks, all of these will be included under this directions. I hope aapko ye samajh aa gaya hoga. Now let's move forward to the other regulation that is being talked about. It talks about including the credit information companies. And now what is this credit information company? सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो credit information companies होती हैं उसको इंडिया में we call them credit bureaus. What are these credit bureaus? आपको पता होगा जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते हो, लोन छोड़ो, फ़ोन के थ्रू जब भी ये बाय नाउ पे लेटर वाला बिजनेस शुरू हुआ है, अमेजोन पे लेटर आपने यूज़ किया होगा या फिर पेटीएम पे आपने यूज़ किया होगा, वहाँ पे दे ऑलवेज टॉक अबाउट चेकिंग योर क्रेडिट स्कोर, आपका सिबिल स्कोर क्या है, राइट। दिस इज दिस सिबिल, सिबिल इज द नेम ऑफ ए कंपनी दैट कम्स अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट स्कोर निकालते हैं। तो व्हाट आर दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज? सो दीज आर दोज कंपनीज, दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो मेंबर बैंक से, जिनके बैंक्स के साथ ये पार्टनर होते हैं, उनसे आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनी लोन रिलेटेड डेटा, और फिर उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्रेडिट एंड लोन।
आपने कितना लोन लिया है, कितना रीपेमेंट किया है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिपॉजिट यू आर मेकिंग, कितनी बार विड्रॉ कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है जा रहा है, ऑल ऑफ दीज आर आइडेंटिफाइड, ऑल ऑफ दीज आर एनालाइज्ड एंड देन योर क्रेडिट स्कोर इज़ कैलकुलेटेड. नाउ वॉट एवर इज़ एनालाइज, सबसे पहले क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करने से पहले आपका एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है. उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, आपके कितने बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट कितना है, सेविंग्स अकाउंट कितना है. इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल तो आपका क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बनेगा, इफ़ यू आर ए कंपनी देन कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर बनाया जाएगा. नाउ बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट स्कोर एनी काइंड ऑफ लोन और अदर लोन रिलेटेड सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. अब क्रेडिट कंपनीज आपको समझ आ गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेगुलेशन. तो दीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005. तो आरबीआई के अंदर ही रेगुलेट किया जाता है. एंड टिल डेट इंडिया में 4 ही लाइसेंस्ड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं. दिस आर योर सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स एंड हाईमार्क. तो ये 4 हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एज ऑफ डेट इन इंडिया. आई होप आपको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज समझ आ गई है. अब समझते हैं कि इसकी क्या बात की गई थी डीआरपी रिपोर्ट में, डीआरपी स्टेटमेंट में. तो ये कह रहे हैं जो आरबीआई का रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है 2021 का, उसमें सीआईसीज को भी इंक्लूड करना है. नाउ व्हाट इज़ दिस आरबी रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम? सो ओम्बुड्समैन इंग्लिश वर्ड है एंड यू मस्ट नो द मीनिंग फर्स्ट. ओम्बुड्समैन का मतलब होता है एनी पर्सन हु लिसन्स टू द कंप्लेंट्स मेड बाय द पब्लिक अगेंस्ट एनी कंपनी, गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. तो जब भी कोई इंसान बैठा हुआ है जो ग्रीवेंसेस को सुन रहा है, जो कंप्लेन सुन रहा है पब्लिक के रिलेटेड टू द पब्लिक ऑफिसर्स, बी इट योर बैंक्स, बी इट द पब्लिक सेफ्टी प्रोवाइडर्स, अदर ऑर्गेनाइजेशंस, कोई कंपनी है, तो उसके जो भी कंप्लेंस जो इंसान सुनता है उसको हम ओम्बुड्समैन बोलते हैं. सो व्हाट इज़ दिस ओम्बुड्समैन स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक कस्टमर है, बैंक का कस्टमर है, वो बस बैंक से ही रिलेटेड नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू सेवरल अदर कंपनीज, सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस. वो बैंक से भी रिलेटेड है, अगर वो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहा है उससे रिलेटेड है. सो इन ऑर्डर टू कर्टेल, इन ऑर्डर टू लिसन टू देयर ग्रीवेंसेस, जो भी उनको कंप्लेंट्स है उनको लिसन करने के लिए ये स्कीम लाया गया था, जहाँ पे इन अ वेरी एक्सपीडिशियस वे, बहुत ही जल्दी एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में इनके कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की बात करती है ये ओम्बुड्समैन स्कीम. तो आज की डेट तक सो देर इज़ ए क्राइटेरिया कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं इस ओम्बुड्समैन स्कीम में, IOS इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम में. सो एज ऑफ डेट रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज योर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, देन यू हैव योर NPFCs, देन नॉन स्केड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स. सो ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड एंड If they have a deposit size of 50 crores, अगर इनका deposit size इतना है, then they are included under the Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, और वहाँ पर उनके customers के complaints को resolve किया जाता था, ठीक है. But अब ये कह RBI ये कह रहा है कि अब ये जो ombudsman scheme की जो scope है उसको और broader किया जाए, उसके अंदर और भी चीज़ों को लाया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस CICs, तो CICs के साथ भी लोगों को इश्यूज़ हो रहे थे. इनफैक्ट बैंक जो मेंबर बैंक्स हैं जो CICs के साथ रिलेटेड है उनको भी कुछ इशू हो रहा होगा. एंड सिंस इट इज़ इंटर रिलेटेड, आप लोन ले रहे हो, कोई लोन प्रोडक्ट ले रहे हो उससे रिलेटेड है, तो उसको भी IOS के एम्बिट में लाने के लिए है. RBI हैज़ टॉक्ड दैट दिस CICs, that is the credit information companies, will be considered as a regulated entity for the purpose of being included under the RBIOS scheme. और ये कब से होगा? September 1, 2022 से ये लागू हो जाएगा. September 1, 2022 से CICs will also be a part of the regulated entities. ठीक है. और इसके अलावा The Monetary Policy Committee has also talked about extending the internal ombudsman mechanism.
एक तो हो गया इंटीग्रेटेड, जितने भी लोग रिलेटेड थे उसका एक हो गया। दूसरा इन्होंने ये बोला है जितने भी CICs हैं उनके अंदर भी, उनके डिपार्टमेंट के अंदर भी देर शुड बी अ डिपार्टमेंट दैट केटर्स टू द इंटरनल कंप्लेंट्स एंड रिजॉल्व्स दोज ग्रीवेंसेस। तो उसके लिए एवरी CIC, ऑल द 4 CICs आर रिक्वायर्ड टू हैव देयर इंटरनल ओम्बुड्समैन मैकेनिज्म। इस तरीके से उनका जो इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल स्कीम है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड सेक्टर, दैट इज़ द फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं? सो इसमें बेसिकली इन्होंने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के बारे में बात किया है। नाउ हु आर दिस प्राइमरी डीलर्स? सो प्राइमरी डीलर्स आर दोज रजिस्टर्ड एंटिटीज। तो जितने भी प्राइमरी डीलर्स हैं, डीलर्स दे आर रजिस्टर्ड अंडर RBI, RBI के अंदर रेगुलेटेड एंटिटीज होते हैं एंड दे बेसिकली अंडरटेक द बिजनेस ऑफ सेलिंग और बाइंग दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसका सेल और बाई करना, उसको हेज करना, एज अ मार्केट मेकर बनना, लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करना बाई कोटिंग बोथ दी सेलिंग प्राइस एज वेल एज दी बाइंग प्राइस प्लस प्रोवाइडिंग दी मार्केट साइज सो दैट इन्वेस्टर्स हैज द मार्केट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स आर प्रोवाइडेड बाई दिस प्राइमरी डीलर्स। अब ये जो प्राइमरी डीलर्स है इसकी बाइफोकेशन की जाती है। नाउ दिस प्राइमरी डीलर्स ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव दिस प्राइमरी डीलर्स। सो प्राइमरी डीलर्स के दो बाइफोकेशन है। फर्स्ट इज योर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स SPD एंड सेकेंड इज योर बैंक रिलेटेड प्राइमरी डीलर्स। ठीक है, तो बैंक रिलेटेड आपको समझ आ गया होगा, बैंक एज अ होल और बैंक की सब्सिडरी या बैंक का कोई भी एक ब्रांच या कोई एक पार्ट या फिर उसकी फॉरेन काउंटर पार्ट जितने भी हैं फॉरेन सब्सिडरी, ऑल ऑफ दीज कुड If they are eligible under the eligibility criteria led by RBI, अगर वो उसको fulfill करते हैं तो वो एक primary dealer बन सकते हैं। अब इनको bifurcate क्यों किया गया? अब ये primary dealing का भी काम कर सकते हैं। Secondly, they can also conduct their normal commercial banking businesses. However, in the case of standalone primary dealers, नाम से ही clear है standalone. Standalone का मतलब होता है they are only engaged in the primary dealing activities, that is buying and selling of government securities. तो इनकी expansion की बात की गई है। Secondly, ये बात की गई है इनकी offshore foreign currency business में. And third, it talks about setting up a committee on the MIBOR benchmark. तो ये होता क्या है, वी विल बी डिस्कसिंग वन बाई वन। सो द फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट एक्सपेंशन इन स्कोप ऑफ परमिटेड एक्टिविटीज। सो इसकी बात कर लेते हैं कि टिल डेट जो हमारे प्राइमरी डीलर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू दीज आर मार्केट मेकर्स हु आर रेगुलेटेड बाय RBIs और RBI एंड दे कंडक्ट द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो ये प्राइमरी डीलर्स, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ डेट दे वर अलाउड टू अंडरटेक फॉरेन करेंसी बिजनेसेस। तो जितने भी फॉरेन करेंसी में डीलिंग होती थी वो बिजनेसेस वो कर सकते थे बट फॉर अ लिमिटेड पर्पस। फॉर इंस्टेंस, दिस SPDs वर अलाउड ओनली टू मेक ट्रांजेक्शन्स और बिजनेस रिलेटेड टू FPI रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होता था उसको ये कंडक्ट करते थे। बट नाउ RBI हैज़ प्रपोज्ड कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को, जैसे मैंने बाइफोकेशन की बात करी, नाउ दे हैव मोर ऑफ द सर्विसेज सिंस इनकी साइज बड़ी है प्लस दे हैव मोर ऑफ द नॉलेज। तो इनके पास ज़्यादा सर्विसेज हैं जो कैटर करते हैं स्पेशली रिलेटेड टू द फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन होते हैं, बी और डेरिवेटिव्स, बी और इंटरेस्ट रेट्स, स्वैप्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन आर बींग अंडरटेकन बाई दी बैंक लेड प्राइमरी डीलर्स। तो RBI ने कहा है कि हमें स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स की भी स्कोप को बढ़ानी चाहिए बिकॉज इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट IRD डेरिवेटिव मार्केट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम एट पार विद दी बैंक लेड प्राइमरी डीलर्स, ये कहा गया है द दे शुड ऑल्सो बी परमिटेड टू अंडरटेक ऑल द फॉरेक्स मार्केट रिलेटेड
फैसिलिटीज़। तो जितने भी फॉरेक्स मार्केट मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं, इंटरेस्ट में हो गया, इंटरेस्ट रेट्स में हो गया, या फिर करेंसीज़ में हो गया, या फिर आपके स्वैप्स में हो गया, या फिर फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में हो गया, वहाँ पे नाउ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू कंडक्ट ऑल दी मार्केट मेकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो इसको प्रपोज किया गया है, इन द कमिंग टाइम इसको आगे देखा जाएगा, बट नाउ एज ऑफ नाउ इट हैज़ बीन प्रपोज्ड। ठीक है, अब कैटेगरी वन ऑथराइज डीलर्स क्या होता है? सो दीज आर बेसिकली द रेगुलेटेड एंटिटीज, बैंक्स आते हैं कैटेगरी वन ऑथराइज डीलर्स के अंदर। इस तरीके से जो SPDs के रोल्स हैं, जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के रोल हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे, राइट? उनको और ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगी, दे विल बी एबल टू अर्न मोर ऑफ द फीस, तो उनकी भी इनकम बढ़ेगी। प्लस इफ़ यू सी फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर्स को भी एक वाइडर मार्केट मिल जाएगा मार्केट मेकर्स की। सो दे विल बी मोर ऑफ मार्केट मेकर्स प्रोवाइडिंग देम विथ helping them in managing their risk, in hedging their risk, and thereby जो हमारा forex market है इंडिया का वो expand हो जाएगा। तो customers के लिए भी benefit है, standalone dealers के लिए भी benefit है, और इस तरीके से standalone primary dealers को we are trying to bring them at par with the banks। Now second talks about permitting the standalone primary dealers to deal in offshore market। सबसे पहले ऑनशोर ऑफशोर क्या होता है आपको पता ही होगा, बट लेट्स जस्ट क्लियर इट वेरी ब्रीफली। ऑनशोर का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स, चाहे आप रेसिडेंट से कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट से कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एनी बिजनेस एक्टिविटी और एनी कंपनी सिटुएटेड एनी वेयर, बट उसकी जो ट्रांजेक्शन अगर आपके होम कंट्री में होती है, देन दैट इज़ नोन एज एन ऑनशोर एक्टिविटी या ऑनशोर मार्केट कहते हैं, होम कंट्री में होती है। सिमिलरली उसकी ऑपोजिट हो जाएगी ऑफशोर, अगर होम कंट्री में ना होकर कहीं और हो रही है, अदर देन दी होम कंट्री, देन दोज मार्केट्स आर नोन एज ऑफशोर मार्केट, और वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उनको ऑफशोर ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। तो एज ऑफ नाउ ओनली बैंक्स, दैट टू फेब 2022 में बैंक्स को परमिट किया गया था दैट दे कैन अंडरटेक दिस ऑफशोर मार्केट ट्रांजैक्शंस विथ नॉन रेसिडेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस FCS? FCS स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप। ठीक है, फॉरेन करेंसी सेटल्ड ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप। स्वैप एग्रीमेंट्स क्या होता है, अगर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वेरी ब्रीफ, क्योंकि बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है स्वैप का, एंड इट्स ऑल टुगेदर अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन फाइनेंस, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड हैव अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कि स्वैप्स होता क्या है। तो स्वैप बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, वेयर बाय दे ट्राई टू स्वैप देयर कैश फ्लो। सपोज इंडिया से मैं हूँ और US में एक बंदा है, एंड वी आर ट्राइंग टू स्वैप आर कैश फ्लोज। मुझे डॉलर डिनोमिनेटेड लोन चाहिए बिकॉज आई हैव वन ऑफ माई सब्सिडरी इन US। सपोज दैट पर्सन इन US नीड्स सर्टन मनी इन रुपी, तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन गेट अ लोन इन इंडिया, क्योंकि मुझे इंडिया में कम रेट पे या अच्छे रेट पे मिल जाएगा। दैट पर्सन विल बी एबल टू गेट द लोन एट लोअर रेट फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड लोन्स। तो हम दोनों को लोन मिल गया, उसको डॉलर में मिल गया, मुझे रुपी में मिल गया। नाउ व्हाट इज़ दिस स्वैप एग्रीमेंट? स्वैप एग्रीमेंट में क्या होगा, वी विल एक्सचेंज दिस लोन। तो जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स करने पड़ेंगे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, वो हम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो रुपी के बदले मुझे डॉलर मिल जाएगा, उस बंदे को डॉलर के बदले रुपी मिल जाएगा। सो दिस इज़ नॉन एज फॉरेन करेंसी सेटल्ड। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ दिस स्वैप एग्रीमेंट? यहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शंस होगी दैट विल हैपन नॉट इन इंडियन रुपी इन केस ऑफ इंडियंस, बट इन सम अदर फॉरेन करेंसी, इन माई एग्जाम्पल दैट इज़ द US डॉलर। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनीज़ के क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जैसे हमने डिस्कस किया सिबिल स्कोर इतना अच्छा नहीं है उन कंपनीज़ की, तो उनको हायर रेट्स पे मिलता है। सिमिलरली कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, उनको कम रेट्स पे मिलता है,
पर जिसको हायर रेट पे मिल रहा है उसको लॉन्गर टर्म के लिए चाहिए, तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। इसको लोअर रेट पे मिल रहा है पर इसको लॉन्गर टर्म के लिए नहीं चाहिए, इसको शॉर्टर पीरियड के लिए चाहिए। और आपको पता है शॉर्टर पीरियड के लिए लोन्स इंटरेस्ट जो होते हैं वो हायर रेट पे होते हैं। तो इस केस में आप अपने ट्रांजैक्शंस को स्वैप कर सकते हो। सबसे पहले आप कंपैरेटिव एडवांटेज देखते हो कि आपको फ़ायदा हो भी रहा है इस स्वैप में। सपोज करो आपको 10% पे मिल रहा था और स्वैप के कारण आपको 11% पे मिल रहा है, यू विल नॉट गो फॉर दैट स्वैप एग्रीमेंट। बट अगर आपको 10 की जगह 8 पे 7 पे या 8.5 पे भी मिल जाता है देन यू विल गो फॉर दिस स्वैप एग्रीमेंट। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड इन केस इट्स इफ़ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंडिंग दिस स्वैप, तो हम एक पूरे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं किसी दूसरे क्लास में, ठीक है। तो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप का यही होता है कि एक स्वैप एग्रीमेंट है जहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ओवरनाइट लिंक्ड है। तो माइबोर एक रेट होता है। व्हाट इज़ दिस माइबोर? जैसे लाइबोर होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, वैसे ही मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट होता है। सो दिस इज़ द बेंचमार्क रेट इन द कॉल मार्केट। जब भी बैंक्स को खुद के इंटरबैंकिंग मार्केट में एक दूसरे से लोन लेना होता है देन दे टेक माइबोर एज द बेंचमार्क रेट, ठीक है। माइबोर प्लस माइनस जो भी होगा रेट, जो भी बेसिस पॉइंट्स होगा उसके बेसिस पे ओवरनाइट ट्रांजेक्शन्स आर डन, इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। अब ये जो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप है, ये आपके ओवरनाइट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे जो रेट होगा, जो स्वैप का रेट होगा वो ओवरनाइट चेंज होता रहेगा। ओवरनाइट जो भी माइबोर होगा उसके बेसिस पे वो चेंज होता रहेगा। सो दिस इज़ द रेफरेंस रेट, ठीक है, उसके बेसिस पे वो चेंज होता रहेगा। तो अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बैंक्स को ऑलरेडी परमिट किया गया था कि वो ऑफशोर मार्केट में जाके माइबोर के बेसिस पे फॉरेन करेंसी सेटल्ड ट्रांजैक्शंस कर सकता है नॉन रेसिडेंट्स के साथ। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है उसको स्वैप एग्रीमेंट करना है इंडिया में देन दैट पर्सन कैन डू सो। और वो ट्रांजैक्शंस को कौन कंडक्ट कराता था? बैंक्स वर डूइंग दैट। बट एस जब मैंने बताया आपको पिछले स्लाइड्स में भी कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को RBI चाह रही है कि बैंक के पार लेवल पे लाया जाए, क्योंकि दे आर ऑल्सो मार्केट मेकर्स, वो भी इसी ट्रांजेक्शन्स में काम करते हैं और ये ऑनशोर्स में कर रहे थे एज ऑफ नाउ। अब ये डिसाइड किया गया है कि जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं वो भी अब ऑफशोर ट्रांजेक्शन्स करा सकते हैं रिलेटेड टू दिस स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द कमिटी ऑन माइबोर बेंचमार्क। तो अब ये जो माइबोर बेंचमार्क है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट। इंटरबैंक में जो लेंडिंग होती है, ठीक है, तो उसका जो ये होता है बेंचमार्क, और इस बेंचमार्क के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पे कॉल मार्केट में लेंडिंग बोरोइंग की जाएगी, ठीक है। बट इसमें ये देखा गया है कि बैंक्स और जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत इंक्रीज्ड वे में दे वे मेकिंग यूज ऑफ दिस माइबोर बेंचमार्क। बट देर इज़ अ नेगेटिव पॉइंट टू दिस बिकॉज ये जो माइबोर लेंडिंग रेट है दीज आर वेरी नैरोड इन द सेंस यहाँ पे कुछ ही बैंक्स की कंसल्टेशन के बाद इस रेट को डिसाइड किया जाता है एंड दैट इज़ वेरी नैरोड। तो RBI प्रपोज कर रहा है दैट वी विल कम अप विद ए कमिटी दैट विल डू एन इन डेप्थ स्टडी इन डेप्थ रिसर्च अबाउट दिस माइबोर बेंचमार्किंग रेट और फिर उसमें जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इन केस इफ द कमिटी फील्स कि कोई एक दूसरी ही कोई अल्टरनेटिव बेंचमार्क रेट लानी चाहिए तो उसके बारे में ये कमिटी हमें रिकमेंडेशंस देगी। तो फॉर ऑल ऑफ दीज रिकमेंडेशंस RBI इज प्रपोजिंग टू सेट अप अ कमिटी फॉर माइबोर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड सेक्टर, टू द थर्ड सेगमेंट नोन एज द पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम आपको पता है मेजरली NPCI हैंडल करती है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट एनेबलिंग द BBPS दैट इज द भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू प्रोसेस द क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड बिल पेमेंट। इनबाउंड क्या होता है? कोई नॉन रेसिडेंट है अगर वो इंडिया में कोई पेमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनबाउंड। आउटबाउंड क्या होगा? इंडिया का कोई बंदा बाहर कोई पेमेंट करना चाह रहा है तो वो हो जाएगा आपका आउटबाउंड, ठीक है।
सो लेट्स सी अबाउट दिस. सबसे पहले भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या होता है. सो दिस इज़ बेसिकली अ पेमेंट गेटवे दैट प्रोवाइड्स यू विद द फैसिलिटी टू अंडरटेक ऑल ऑफ दिस यूटिलिटी फीचर्स. आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, एजुकेशन बिल दे सकते हो, वाटर बिल पेमेंट कर सकते हो, मोबाइल बिल पेमेंट कर सकते हो. सो ऑल ऑफ दिस पेमेंट्स कुड बी मेड यूजिंग दिस पेमेंट गेटवे. और ये जो पेमेंट गेटवे हैं, सो पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं. पेमेंट गेटवे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो फॉर एनी ऑफ दिस यूटिलिटी सर्विसेज. ठीक है, तो और ये NPCI के अंदर आता है. तो ये देखा गया है कि इंडिया में दिस हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड यू विद एन इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म. मतलब आप एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही पेमेंट गेटवे से सारे पेमेंट्स कर सकते हो. पहले ऐसा होता था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए आपको अलग जमा करना पड़ता था बिल, टेलीफोन बिल अलग जमा करते थे आप, गैस सिलेंडर की बिल अलग जमा होती थी. अब सारे पेमेंट्स आप एक जगह कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज इंटर ऑपरेबिलिटी. ठीक है, और इसमें ये भी देखा गया है कि ये इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि यहाँ पे जो कस्टमर के ग्रीवेंसेस हैं रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज यूटिलिटीज, ऑल ऑफ दीज आर सेटल्ड बाय अ सेंट्रल रिड्रेसल फोरम. ठीक है, प्लस यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वीनियंस फीस भी अप्लाई किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं. और ये जो भारत बिल पेमेंट गेटवे है, जैसे आपका पेपाल हो गया, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे. अभी आपने रेजर पे का नाम भी सुना होगा, वैसे ही ये इंडिजिनस है, मेड बाय NPCI, नोन एज भारत बिल पेमेंट सिस्टम. एंड इट इज़ करेंटली एक्सेसिबल ओनली फॉर इंडियन रेसिडेंट्स. बट ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे नॉन रेसिडेंट्स हैं जिनकी फैमिली इंडिया में है, NRIs हैं, तो वो पेमेंट्स कर सकते हैं. उनके लिए प्रपोज किया जा रहा है, RBI इज़ प्रपोजिंग कि हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं दैट थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम दे कैन मेक द पेमेंट फॉर एनी ऑफ द यूटिलिटी सर्विसेज. बेट एजुकेशन फीस उनको पे करना है या फिर और भी कोई भी बिल पेमेंट करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स का इंडिया में, देन दे कैन डू सो बाई यूजिंग दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम. सो दिस इज वॉट RBI हैज़ प्रपोज्ड, सो दैट इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू द फैमिलीज ऑफ द NRIs. NRIs की जो फैमिलीज हैं जिनको यूज़ नहीं करना आ रहा, तो वहीं से बैठे बैठे इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं. बट ये बस इनबाउंड होगा, प्लीज़ रिमेंबर, ये आउटबाउंड इनबाउंड नहीं है, ओनली इनबाउंड है. ओनली NRIs कैन मेक पेमेंट फॉर इंडिया फॉर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू इंडिया, पर इंडिया से बाहर नहीं हो सकती यूजिंग दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम एज ऑफ नाउ. और ये डेटा बताती है कि वॉट इज़ द ह्यूज सक्सेस रेट ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मोर देन 20,000 बिलर्स हैव जॉइन दिस पेमेंट गेटवे. अपार्ट फ्रॉम दैट मंथली जो हमारे ट्रांजेक्शन्स है, इट इज़ अराउंड 8 crores. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम. तो यही डिस्कस किया गया था इस रिपोर्ट में, इस डॉक्यूमेंट में. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. सो दिज आर दी क्वेश्चंस विच आई हैव फॉर्मुलेटेड फॉर यू. अच्छे से पढ़िए एंड यू नीड टू आंसर इट डाउन. बहुत सारे लोग आंसर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल हंसा वॉज आंसरिंग, बट लास्ट वीडियो में हंसा ने आंसर नहीं किया. सो ट्राई आंसरिंग दिस, प्लस गिव दी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज हंसा यूज टू डू. शी यूज टू प्रोवाइड ऑल दी एक्सप्लेनेशन एज वेल. तो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करो, क्यों ऐसा है, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्यों है. ठीक है, और इसके आंसर्स प्रोवाइड करना आप. द फर्स्ट टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर द RBIOS स्कीम ऑफ 2021. सेकेंड टॉक्स अबाउट हाउ मेनी CICs हैव बीन रजिस्टर्ड और हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI. थर्ड टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with regard to the monetary policy statement of August 2022. And the fourth talk about MIBOR ka full form kya hai. Theek hai, so this was all for today. I hope you like the session. Answers provided hai plus, but please do not look at the answer. Sabse pehle aap answer kijiye khud, then try to match your answers. So this was all for today. I hope you like the session. And in case of any doubts, agar aapko koi doubt hai, then you can always call us at this number 9999466225
एंड यू कैन ऑल्सो राइट टू अस एट info@anujjindal.in. आपके सारी क्वेरीज को यहाँ पे रिजॉल्व कर दिए जाएंगे. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय.